काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने ढेरों चुनौतियां हैं और उनके सामने देश के हर सेक्टर से कई मांगे आ रही हैं। ऐसे वक्त में जब देश में आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी चल रही है और जीडीपी समेत कई आंकड़े आर्थिक वृद्धि की बेहतरीन तस्वीर पेश नहीं कर पा रहे, ऐसे में वित्त मंत्री को कड़े फैसले लेने होंगे। इन सब सेक्टर्स में से एक रियल एस्टेट सेक्टर जिसका देश की जीडीपी में बड़ा योगदान है, वो वित्त मंत्री से उम्मीदें लगाए बैठा है कि उसे टैक्स बेनिफिट मिलेंगे। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए टैक्स रेट में कमी की जाएगी और सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसा होगा जो इसकी तस्वीर बेहतर कर पाएगा। हाउसिंग इंडस्ट्री की आशा है कि इस बार घर खरीदारों से लेकर हाउसिंग में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए भी कुछ इंसेंटिव्स का ऐलान हो पाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि वित्त मंत्री विभिन्न क्षेत्रों में मंदी, एनबीएफसी संकट, वैश्विक चिंताओं और बढ़ते एनपीए से निपटने और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कई उपायों की घोषणा कर सकती हैं। जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला रियल एस्टेट सेक्टर भी वित्त मंत्री से टैक्स लाभ की उम्मीद लगाए बैठा है। पिछले 6-8 महीने से जो लिक्विडिटी क्रंच आया है मार्केट में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट फंडिंग के लिए और रियल एस्टेट की होम बायर्स की फंडिंग के लिए, दोनों में ही क्रंच आ गया है। उसके रीजन जो भी है, ILFS था या और भी चीजें थी, मुझे लगता है अभी गवर्नमेंट को आगे बढ़ के वो क्रंच खत्म करना चाहिए। मोदी जी का एक सपना है कि हाउसिंग फॉर ऑल। अब हाउसिंग फॉर ऑल होने के लिए लिक्विडिटी क्रंच का ठीक होना बहुत जरूरी है। दूसरा बात है जो कि हमेशा से हमारी डिमांड रही है कि जो GST में अभी क्लैरिफिकेशंस आए, क्लैरिफिकेशंस आने के बाद रेट डिडक्शन तो हुआ लेकिन क्रेडिट पास होना बंद हो गया, इनपुट क्रेडिट बंद हो गया, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर को कुछ नहीं मिला। डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको पास ऑन नहीं कर पाते। होना ये चाहिए कि स्टाम्प ड्यूटी को उसमें मर्ज करें, कुछ और प्रोडक्ट हैं जो कि अभी GST से बाहर हैं वो उसके दायरे में आएं और अल्टीमेटली कंज्यूमर को उस GST का कुछ बेनिफिट मिले, तब तो कोई फायदा है। अदरवाइज तो हम लोग एक तरफ से प्लस करते हैं, दूसरी तरफ से माइनस कर देते हैं। मुझे लगता है उसको ठीक करने की बहुत जरूरत है। थर्डली, होम बायर्स को जो होम लोन मिले वो एक तो टाइम पे मिले, दूसरा उसमें अभी रेट रिडक्शन की गुंजाइश है। RBI ने पिछले कई समय से उसको रेट रिड्यूस किए हैं बट बैंकर्स ने उनको पास ऑन नहीं किए। मुझे लगता है कि इस बजट में उस चीज पे स्ट्रेस दिया जाए कि जो भी रेट डिडक्शन हो उसका जो है बेनिफिट कंज्यूमर को मिलना चाहिए, तब इस सेक्टर को कुछ बेनिफिट होने की हमें उम्मीद लगती है। कोई किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए कम ब्याज दर, साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए अन्य उपायों की भी संभावना है। उद्योग को उम्मीद है कि होम बायर और निवेशकों दोनों के लिए टैक्स में और वृद्धि होगी। आगामी 5 जुलाई को पेश होने वाले बजट से रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े सभी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कई उम्मीदें हैं। इनकम टैक्स लैब में कई सालों से कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो इस बार हाउसिंग इंडस्ट्री भी ये उम्मीद कर रही है कि इस बार टैक्स लैब में कुछ बदलाव हो सकता है। इसके अलावा हाउसिंग लोन की दरों में कुछ कटौती हो सके। सेक्शन 80C के तहत निवेश पर मिलने वाली छूट 1.5 लाख रुपए से बढ़ा दी जाए जिससे लोग प्रॉपर्टी में निवेश कर सकें। हालांकि फरवरी 2019 में आए अंतरिम बजट में तत्कालीन अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने टैक्स रिबेट देकर 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम तो टैक्स फ्री कर दी, लेकिन उससे ऊपर के टैक्स स्लैब में 5 लाख से 10 लाख रुपए की इनकम पर जो 20% का टैक्स लग रहा है उसे कम किए जाने की जरूरत हाउसिंग इंडस्ट्री जता रही है। मुझे लगता है वो जो बजट पेश हुआ था, इंटरिम बजट जो पेश हुआ था, उसकी अपनी लिमिटेशंस थी। अब ये फुल फ्लेज्ड बजट आएगा, वो सारी चीजें, हमें पूरी उम्मीद है कि 5 लाख तक की इनकम को अभी एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा और तभी उसका बेनिफिट एक्चुअली लोगों को मिलेगा। उस बजट की अपनी कोई लिमिटेशन जरूर रही। साल 2014 में सरकार ने लगभग एक दशक के बाद सेक्शन 80C के तहत निवेश पर मिलने वाली छूट को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया था, लेकिन इसके बाद से 5 साल बीत चुके हैं और इसे बढ़ाने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इससे सरकारी कोष पर बोझ बढ़ेगा, लेकिन ये घर खरीदारों के हाउसिंग में निवेश करने की क्षमता निश्चित तौर पर बढ़ाएगा। इसके अलावा सरकार को बैंकिंग सिस्टम में ऐसे बदलाव किए जाने की जरूरत है जिससे अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जमीन खरीदने वालों को भी कुछ राहत मिल सके। फिलहाल RBI की तरफ से अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जमीन खरीदने वालों के लिए कमर्शियल बैंकों द्वारा दी जाने वाली फंडिंग पर रोक लगी हुई है जिसे बहाल किया जाना चाहिए। इससे अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जमीन खरीदने वालों की संख्या में इजाफा होगा। मोदी सरकार की 2022 तक सबको घर देने की महत्वाकांक्षी योजना है जिसके लिए निश्चित तौर पर सरकार को ऐसे कदम उठाने होंगे।
जो आम लोगों तक घरों की सुविधा पहुंचा सके। इसके लिए सरकार ने रेरा जैसे नियम भी पहले से लाए हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और ठोस कदम उठाने की जरूरत है। 2018 के बजट में जो चीजें कमी रह गई थी, उन्हीं चीजों की हम आज फिर से डिमांड करते हैं। उस टाइम लिक्विडिटी क्रंच वाली कोई बात नहीं थी, तो लिक्विडिटी क्रंच ना होने की वजह से 2018 के बजट होने के बावजूद, लेकिन जीएसटी का इश्यू था, रेरा की चीजें थी, वो अब क्लैरिफाई हो चुकी हैं। तो जीएसटी हो गया, रेरा हो गया, सब चीजें आने के बाद अभी एक हमारी जो इंडस्ट्री है ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ चली गई है। मुझे लगता है अब इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस अगर दे देंगे तो ये इंडस्ट्री फिर से बूम पे आ सकती है, जो कि इतना रोजगार लोगों को प्रोवाइड करती है। फंड की कमी दूर करने की जरूरत। रियल एस्टेट सेक्टर इस समय फंड की कमी से जूझ रहा है। टॉप 7 शहरों में रियल एस्टेट के कई प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं, उन्हें पूरा करने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत है। सरकार को बजट में इस मुद्दे का हल निकालने के लिए कदम उठाने होंगे। पूंजी तरलता की कमी कंपनियों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ रही है और वित्तीय क्षति को भी बढ़ा रही है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए फंड मिले। सरकार ने सभी के लिए 2022 तक आवास देने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए जरूरी है कि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदने की इच्छा रखने वाले डेवलपर्स को सरकार कम ब्याज पर फंड और जमीन उपलब्ध कराए। इसके साथ ही नेशनल रिटेल हाउसिंग पॉलिसी को तय किया जाए। कारोबार करना आसान बनाने के लिए सभी तरह की अनुमति एक ही जगह पर और बेहतर की जाए। इससे प्रोजेक्ट लागत की कमी आएगी और प्रोजेक्ट का काम जल्द पूरा करना आसान हो जाएगा। खरीदारों को अतिरिक्त टैक्स का तोहफा। फरवरी में जब अंतरिम बजट पेश किया गया था तो आम लोगों को काफी फायदा दिया गया था। आयकर स्लैब में कमी, हाउसिंग लोन में बड़ी राहत दी थी, लेकिन वह काफी नहीं था। अगर सरकार आयकर कानून की धारा 80C के तहत आवास ऋण के मूल की वापसी पर अलग से 1.5 लाख रुपए तक की कर छूट दे तो इससे घर खरीदारों को बड़ी बचत होगी। इसके साथ ही पहली दफा घर खरीदने वालों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली छूट की सीमा को बढ़ाने की जरूरत है। इससे रियल एस्टेट क्षेत्र की मांग बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। निवेशकों को भी मिले रियायत। भारत में रियल एस्टेट सेक्टर में विदेशी निवेशकों को अधिक से अधिक आकर्षित करने की जरूरत है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने की जरूरत है जहां निवेशकों को प्रोत्साहन मिले, जिससे अधिक से अधिक विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। इसके लिए नियम को सरल बनाने की जरूरत है। इसके लिए रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का दर्जा देने की जरूरत है। इससे पूरे सेक्टर की हालत बदल सकती है, क्योंकि इससे कम दरों पर फंड्स प्राप्त करने में मदद मिलेगी और सेक्टर के प्रत्येक हिस्से को लाभ होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से आगामी बजट को लेकर रियल एस्टेट सेक्टर को यही अपेक्षाएं हैं कि उसे टैक्स बेनिफिट मिलेंगे। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए टैक्स रेट में कमी की जाएगी, साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर की धांधलेबाजी में भी रोकथाम होगी। सहारा समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।